हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सेंट्रल लाइन प्रॉपर्टी। दोस्तों आज हम नेरल से पनवेल जा रहे हैं बाय रोड, तो आप लोगों को जाते जाते बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देके जाऊंगा। कर्जत कहाँ पर पड़ता है, कितना डिस्टेंस पर पड़ता है, नेरल से खोपोली कितना दूर है, पनवेल कितना दूर है, पूरा दिखा दिखा के, और जितना भी मेजर लोकेशन है, जितना भी डेवलपमेंट है, सबका इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में रहेगा। तो वीडियो थोड़ा लेंथी भी हो सकता है, लेकिन आप लोग लास्ट तक देखना, आप लोगों को पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा जर्नी सौशल्या कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट होती है, क्योंकि यहाँ पर मैं रहता हूँ काफी दिन से, तो आप लोगों को पता भी होगा बहुत फेमस कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ से निकलते ये मेन हाईवे है, कर्जत कल्याण हाईवे, काफी वीडियो में आप लोग देख चुके हो। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन है फैमिली बास्केट, आप लोग देख सकते हो ये सामने नेरल का बहुत बड़ा सुपर मार्केट आया है, ठीक है, काफी बड़ा है फैमिली बास्केट करके। तो ये एरिया का पूरा मार्केटिंग शॉपिंग वगैरह सब आप यहाँ से कर सकते हो। फिर यहाँ पर देख सकते हो ये जो बिल्डिंग है, ये नेरल विद्या मंदिर स्कूल एंड कॉलेज है, गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेज है, काफी अच्छा है और बहुत सारा स्टूडेंट है यहाँ पर। ये जो गेट है ये पुराना है, लेकिन मेन बिल्डिंग आगे बनी है। और यहाँ पर एक और स्कूल है नेरल का, उर्दू मीडियम स्कूल है, ये है बाजू में एकदम, ठीक है, सब नजदीक नजदीक है और मेन रोड टच में है। काफी सारा स्कूल सबको देखने के लिए मिलेगा ये लोकेशन में, ये 2-2.5 किलोमीटर का अंदर, ठीक है। और यहाँ से मार्केट एरिया चालू हो जाती है, ठीक है। यहाँ से राइट लेंगे तो ममदापुर है, और यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो नेरल मार्केट में पहुंचेंगे आप। मार्केट इन द सेंस स्टेशन रोड है, और नेरल का जो टैक्सी वगैरह चलती है ना, जो माथेरन का टैक्सी स्टेशन स्टैंड ये सामने ही है, और इस तरफ राइट साइड में ममदापुर का मेन रोड है, ममदापुर एंट्री लेने के लिए। तो और आगे पुलिस स्टेशन है, वो भी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर देख सकते हो अपना नेरल का पुलिस स्टेशन है, अभी इसको रिनोवेट किया मेरे ख्याल से, काफी अच्छा बनाया है, पहले इतना कंडीशन में नहीं था, बहुत अच्छा दिख रहा है नेरल पुलिस स्टेशन। और इसका पीछे पूरा मार्केट एरिया है, ये नेरल का खाओ गली है, यहाँ पर इवनिंग के टाइम में पूरा बाजार लगती है, स्ट्रीट फूड वगैरह बहुत अच्छे अच्छे, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते खाने के लिए, इवनिंग में पूरा एकदम माहौल बनता है खाने के लिए। और यहाँ से ये जो रोड है मार्केट जा सकते हो, पहले एक दो साल पहले कुछ भी नहीं था, अभी सारे चीज आ चुकी है। यहाँ पर राइट साइड में यही रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, होटल तन भी देख सकते हो आप, इसका फर्स्ट फ्लोर पे रजिस्ट्रेशन ऑफिस है। नेरल में जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन होती है यहाँ पर इसी ऑफिस में होती है, और कर्जत में, कर्जत का अलग है, पहले सब कर्जत में होता था, अभी नेरल में अलग हो गया है नेरल का, रजिस्ट्रेशन के लिए नेरल में आ सकते हो। यहाँ पर एक नया डेवलपमेंट है जो किसी वीडियो में आप लोग नहीं देख सकते हो, ये जो है नया पेट्रोल पंप एक और बनी है, पहले एक ही पेट्रोल पंप था, उसका बाद सीएनजी पंप बनी, अभी एक नया पेट्रोल पंप भी है। और ये जो रोड है ये मार्केट जाने का लास्ट रोड है, बीच बीच में जितने सारे रोड देखे आपने, सबसे मार्केट कनेक्टेड है और ये लास्ट है। यहाँ से निकल के माथेरन का गेट सामने दिखेगा आपको, उसके अलावा अंदर अंदर नेरल ईस्ट में जाएंगे। अभी जितना भी चीजें आपने देखे सब नेरल वेस्ट का है, जितना भी आप मार्केट एरिया हो, मेन मार्केट जो है वो भी नेरल स्टेशन के पास है और वो भी वेस्ट में है, और बाकी जितना भी बैंक एटीएम वगैरह जितना भी सारा चीजें वो नेरल वेस्ट में है और मार्केट एरिया का अंदर है, ठीक है, वेस्ट साइड में। यही माथेरन का गेट है, यहाँ से आप ड्राइव करके 12-15 किलोमीटर में एकदम माथेरन का टॉप में जा सकते हो, लेकिन यहाँ से इसका स्टार्टिंग है। आप टैक्सी लेके भी जा सकते हो या तो आप टॉय ट्रेन से भी जा सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो ये एरिया में 3-4 स्कूल है अच्छे अच्छे, ये सीबीएसई स्कूल है शर्विल करके, शर्विल इसका नाम है। और लेफ्ट साइड में देखेंगे तो लियस इंग्लिश स्कूल है, वो भी सीबीएसई बोर्ड का है, पहले भी वीडियो में दिखाया, अभी शॉर्ट शॉर्ट में दिखा रहा हूँ। ये लियस स्कूल है, ये हजी मुजाहिद खोत सेलिब्रेशन हॉल है, यहाँ पर आप सेलिब्रेशन वगैरह जितना भी मैरिज वगैरह सारे चीज यहाँ पर कर सकते हो, अभी एक साल से चालू हुआ है। और उसके आगे पेट्रोल पंप है, एक नेरल का मेन पेट्रोल पंप जो सबसे पहले चालू हुआ था वो है, और अभी तो एक नया आपको दिखा दिया, वो एकदम स्टेशन से करीब है। और यहाँ से पूरा कर्जत तक बीच बीच में आपको ऐसे रिसोर्ट देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर देखिए ये सीएनजी पंप है, ये देखिए ये सीएनजी पंप हो गया, और बाजू बाजू में ऐसे ही यहाँ पर और बिल्डिंग नहीं है, मेन हाईवे पे मेन रोड पे कोई बिल्डिंग वगैरह नहीं है, जितना भी बिल्डिंग्स वगैरह था पीछे हम छोड़ के आए हैं,
यहाँ पर आपको होटल वगैरह, रिसोर्ट वगैरह ये सारे चीज देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर ये हाजी लियाकत इंग्लिश हाई स्कूल है एंड जूनियर कॉलेज, ठीक है, ये भी काफी वीडियो में दिखा चुका हूँ। तो ये सारे स्कूल्स वगैरह नेरल का यही 2-3 किलोमीटर का अंदर आपको सारे चीज मिल जाएंगे, नेरल वेस्ट में अगर आप प्रॉपर्टी बाई करते हो। और ईस्ट लोकेशन अलग है, ईस्ट में भी काफी सारा चीज आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन सारे मेजर जो फैसिलिटीज है वो वेस्ट में है। जितना भी रिसोर्ट रेस्टोरेंट वगैरह ईस्ट में मिलेगा, लेकिन जो मेजर फैसिलिटीज जैसा कि पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप, बैंक, एटीएम, सारे चीज आपको वेस्ट में मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो कितना बड़ा एक रिसोर्ट है, बहुत बड़ा है, यहाँ पर भी आप बुक कर सकते हो। इसका नाम बता दूंगा कुछ, हिल रॉक करके विला है, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है, हिल रॉक विला, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर सारे मतलब होटल रेस्टोरेंट के लिए तो बहुत अच्छा है। टुवर्ड्स करजत हम जा रहे हैं, करजत से राइट लेंगे तो पनवेल जाएंगे, तो उससे बीच में जो भी चीज है मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर रायगढ़ हॉस्पिटल करके एक बड़ा हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वो भी दिखा दूंगा। और फिर नेरल से करजत तक डिस्टेंस है टोटल 15 मिनट लगता है बाय रोड, अगर जाते आप बाय रोड गाड़ी वगैरह से जाते हो। बीच में एक स्टेशन है, यहाँ पर ये भिवपुड़ी का बीच में एक मराठी स्कूल है, काफी बड़ा दिख रहा है यहाँ पर। और इसका ऑपोजिट में हॉस्पिटल है जो रायगढ़ हॉस्पिटल, काफी फेमस है, ये देख सकते हो आप, इसका कंस्ट्रक्शन वगैरह काफी काम भी चल रहा है। और मैंने जितना सुना है काफी फेमस हॉस्पिटल है रायगढ़ का, यहाँ से इसका सामने से गेट है। अगर आप छोटी मोटी कुछ इलाज कराना है तो नेरल में ही हो जाएगा आपको, और कुछ सर्जरी वगैरह कुछ कराना रहेगा तो आप यहाँ पर भी आ सकते हो, बत्तापुर जा सकते हो, करजत जा सकते हो। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो ये एक रोड का काम चल रहा है, आप लोगों ने सुने होंगे करजत टू पनवेल का जो ट्रेन का रोड है, जो लोकल ट्रेन चालू होने वाली है उसका, ये देख सकते हो आप, काम काफी तेजी से हुआ है और एक साल के अंदर ये कंप्लीट भी हो जाएगा। देख सकते हो ये ओवर ब्रिज है, यहाँ से शायद टनल भी है, और नेरल से भी कनेक्ट होगा, नेरल उस रोड से कनेक्ट होगा जिसका नाम है पनवेल भीमाशंकर हाईवे, पनवेल भीमाशंकर चकन हाईवे शायद इसका नाम, आप नेट पे गूगल पे सर्च कर सकते हो। और ये पनवेल करजत का जो रूट था लोकल का, अभी तो एक रूट है जो मेल वगैरह चलती है, लेकिन ये लोकल रूट का, लोकल ट्रेन का है। ये चालू हो जाएगा तो एकदम ऐसे सर्कुल हो जाएगा पूरा मुंबई, आप करजत से सीएसटी जा सकते हो, सीएसटी से फिर वाशी होके पनवेल भी आ सकते हो, मतलब ऐसे एक राउंड हो जाएगा, बीच में नेरल करजत वगैरह रहेगा। यहाँ पर देख सकते हो ये करजत का डीमार्ट है, और आगे जो डीमार्ट है वो बदलापुर में है, बीच में नेरल में डीमार्ट फिलहाल नहीं है, लेकिन हाँ मॉल वगैरह आ रहा है, डीमार्ट का भी सर्वे हो चुका है, मेरे पास भी एक पार्टी आए थे डीमार्ट के लिए, जगह देख रहे हैं तो हम भी सजेस्ट कर रहे हैं, तो बहुत जल्द 1-2 साल के अंदर डीमार्ट पूरा स्टार्ट भी हो जाएंगे, तो नेरल में भी आपको डीमार्ट मिल जाएंगे। अभी तो सुपर मार्केट वगैरह सब कुछ है, मिनी मार्ट वगैरह है, लेकिन अगर रियल इस्टेट का बात करें, डेवलपमेंट का, बिल्डिंग्स वगैरह का, तो करजत से ज्यादा नेरल में है मुझे जहां तक नॉलेज है, क्योंकि मैंने करजत में भी मार्केटिंग किया हूँ, तो यहाँ पर जितना भी बिल्डिंग्स है उससे काफी ज्यादा नेरल में काम चल रहा है, ऑनगोइंग जो प्रोजेक्ट का बात कर रहा हूँ मैं। और रोड वगैरह का फैसिलिटी आप देखेंगे, कनेक्टिविटी देखेंगे तो करजत का ज्यादा बेटर है, और अभी आने वाला दिन में नेरल ज्यादा बेटर हो जाएगा, क्योंकि नेरल बीच में पड़ेगा, करजत एक साइड में हो गया है। अभी फिलहाल कुछ लोग, जो लोग पनवेल से जाना आना होता है, जिन लोगों को पनवेल, नवी मुंबई, वाशी वगैरह जाते हैं काम के लिए, उनके लिए करजत अच्छा है, करजत थोड़ा नजदीक पड़ता है, पनवेल भीमाशंकर हाईवे बन जाएगा तब नेरल से सबसे नजदीक पड़ेगा, ठीक है, करजत आने का जरूरत नहीं है आपको। ये देख सकते हो ये करजत का चार फाटा है, ये सर्कल है, सीधा जाएंगे तो स्टेशन है, लेफ्ट जाएंगे तो आपका मुरबाड़ हाईवे है, और राइट जाएंगे तो पनवेल है, पनवेल या खोपोली किधर जाना चाहते हो तो यहाँ से राइट लेना पड़ेगा, यही चार फाटा है। सारे रोड का कनेक्टिविटी यहाँ से है, मुरबर करजत हाईवे से लेके पनवेल का हाईवे, सारे चीज यहाँ पर है, और हम नेरल का तरफ से आए हैं, और अभी हम पनवेल के रोड पकड़े हैं और पनवेल की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से देख सकते हो यहाँ से एक रोड लेफ्ट की तरफ जा रही है, सीधा आप सीधा जाएंगे तो पनवेल जाने का है, पनवेल जाने के लिए सीधा जाना पड़ेगा, और लेफ्ट लेंगे तो लोनावाला, ये रोड बहुत अच्छा है, ये लोनावाला का जो रोड है ना, हम गए थे लोनावाला, तो
इतना मस्त लगता है ये रोड से गाड़ी ड्राइव करने से। आजू बाजू में पहाड़ है, एकदम ग्रीनरी है और कुछ डेवलपमेंट नहीं है, और पीस रोड है एकदम, बहुत अच्छा लगता है। आज बहुत ट्रैफिक है, आप देख सकते हो रोड पे बहुत जगह पे काम चल रहा है। ये करजत पनवेल वाला जो रोड है, तो इसके लिए मतलब इतने स्पीड में हम गाड़ी भी चला नहीं पा रहे, तो आपको एक्यूरेट टाइम तो नहीं बता सकते क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों हम फाइनली पनवेल रोड पे आ चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हो ये चौक है, और लेफ्ट लेंगे तो आप खोपोली होके, लोनावाला होके पुणे जा सकते हो। तो ये रोड का नाम है ओल्ड पुणे मुंबई हाईवे। अभी तो एक्सप्रेसवे भी बन गया है, वो आगे जाके मिलेगा, लेकिन पुराना जो ओल्ड पुणे मुंबई हाईवे है यही है। ये देख सकते हो ये जो बसेस है ना दोस्तों, ये करजत से पनवेल के लिए, जब तक ट्रेन नहीं चालू होगी तब तक ये ऐसा जो बस है गवर्नमेंट का, ठीक है, वो बसेस चलती रहेगी पनवेल टू करजत। तो यहाँ तक जितना भी चीजें जो हमारा आंखों का सामने था, नजर का सामने था, आपको दिखाए, इसके बाद पनवेल तक मुझे भी नहीं पता कि कहाँ पर क्या चीज है, और सेफली ड्राइव करना पड़ेगा। अभी प्रॉपर हाईवे पे है हम, नेशनल हाईवे पे, तो अच्छे से ड्राइव करना पड़ेगा, और फिर पनवेल जाके थोड़ा काम में भी जा रहे हैं हम, तो सोचे थे कि कॉन्टेंट भी क्रिएट हो जाएगा और आप लोगों को भी फायदा हो जाएगा। हम टाइम को वेस्ट नहीं करते, टाइम हर एक समय बहुत कीमती होती है, तो सोचे हमारा भी काम हो जाएगा, आप लोगों का भी काम हो जाएगा, इसके लिए ये सारे चीजें है, ठीक है। तो अभी सीधा पनवेल जाके मिलते हैं। इस बीच का जो भी डेवलपमेंट है, कहाँ पर क्या है, ये सब मुझे भी इतना नॉलेज में नहीं है, धीरे धीरे होएगा, आप लोगों से शेयर करेंगे। बाकी सब बढ़िया है, आप लोग देखते रहिए, जहाँ पर जो भी चीज मिलेगा फिर भी मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पर लॉजिस्टिक है बहुत सारा, ये चीज मुझे दिखाना था आप लोगों को। बहुत सारे चीज जॉब के लिए पूछते हैं, जॉब का क्या फैसिलिटीज है, अगर हम नेरल में या करजत में घर लेते हैं तो जॉब कहाँ कर सकते हैं। तो नेरल में अगर आप ले रहे हो तो फिर आपको बदलापुर MIDC है, अंबरनाथ MIDC, बदलापुर, उल्लासनगर, उस साइड में भी कर सकते हो, और ये करजत साइड में इधर आपको लॉजिस्टिक बहुत सारा है, ठीक है। ये रोड पे भी है, करजत में भी है, अमेजोन वगैरह का वेयर हाउस वगैरह होते हैं ना, तो वहां पर तो जॉब क्रिएट होती है ज्यादातर, तो आपको मिल जाएंगे, इस साइड में भी है। तो दोस्तों ये पनवेल का टोल प्लाजा में हम पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों ये रहा नेरल टू पनवेल का बाय रोड सफर। एक्चुअली हम लोगों को काफी टाइम लग गया क्योंकि हम जगह जगह पर शूट भी कर रहे थे और काफी जगह पर काम चल रहा था रोड पर, तो इसके लिए काफी टाइम लग गया, नहीं तो एक घंटा भी लगता है आपको नेरल टू पनवेल वाया करजत होकर आने के लिए। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि पनवेल भीमाशंकर का रोड जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए और आप लोग सिर्फ 20 से 30 मिनट के अंदर पनवेल पहुंच जाएंगे, और मुंबई भी एक घंटे के अंदर आप पहुंच सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और वीडियोज़। बाय बाय, फिर मिलेंगे नई एक वीडियो में।